अब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो जिंदगी में कभी ना कभी सुने होंगे, ये भी बचा है, कितने होते हैं 8। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वो तो आपके 8 होते हैं और वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एक अलग चीज है, लेकिन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एक अलग चीज है। फिगर ऑफ स्पीच लगाने वाला नहीं, ये सिंपल से कुछ टाइप्स बनेंगे। आपको 6 से 7 टाइप आपको इस क्लास 12 के सिलेबस में पढ़ने हैं, जिसमें कभी कभी आता है कि आइडेंटिफाई करिए कि किस टाइप का ये फिगर ऑफ स्पीच है। इसको हिंदी में हम कहते हैं अलंकार। अब अलंकार तो कभी ना कभी पढ़े होंगे, पढ़े हैं। अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। इसको भी अगर हमको डीपली अगर समझनी हो तो देखिए, हम सबको अपने चेहरे की भी शोभा बढ़ानी होती है, कभी कभी अपने घर की भी शोभा बढ़ानी होती है, कभी कभी आपके पास जो अपनी कार होती है या जो अपनी बाइक होती है उसकी भी शोभा बढ़ानी होती है, कभी कभी आपको अपने आवाज की भी शोभा बढ़ानी होती है, और कभी कभी आपको अपने बॉडी की भी शोभा बढ़ानी होती है। तो फेस की शोभा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? फोर्स एंड पैनकेक, जो आपके पल्ले ना पड़ा, बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का, कोई बात नहीं, खैर। अच्छा, ये पहला चैप्टर जो पल्ले ना पड़ा ना, पहला ये चैप्टर है कि इससे पहले भी कभी आपने ऐसा फेस किया है? ठीक है, कोई बात नहीं, रिवीजन में इसको फिर से कोशिश करेंगे। खैर, तो चेहरे की शोभा किससे बढ़ती है? सीरम से, यानी क्रीम से। घर की शोभा किससे बढ़ती है? कह सकते हैं कि उसमें डेकोरेशन हो, और डेकोरेशन में सारी चीजें, पेंट, लाइटिंग, फलांदमा, कुल चीज आएगी। कार की शोभा किससे बढ़ेगी? इसमें भी डेकोरेशन है, म्यूजिक है। बाइक की शोभा भी क्या है कि साइलेंसर लगा के बोस्टर लगाओ निकाल के, और उसमें बढ़िया से लिखो दहेज द्वारा सहायता प्राप्त, ठीक है। अगला, वॉइस की शोभा किससे बढ़ेगी? वॉइस चेंजर से। और हमारे शरीर की शोभा किससे बढ़ेगी? क्लॉथ से, क्रीम से, और एक से एक नई नई सी ड्रेस चला करती हैं, ठीक है। पहले जमाने में जो गरीबी समझा जाता था, आज के टाइम पर फैशन समझा जाता है। जैसे पहले कहीं गरीब मतलब कोई रहे उसे फट जाएगा तो फिर सिल ले रहा है, निहायत गरीब है, उनके कपड़ा ना है। अब वही के जो चाट ठुफारी के पैटर्न बनाए देते। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही पहनते, लड़कियां भी पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, कि डैमेज जींस, डैमेज शर्ट, ठीक है, ये एक फैशन बन चुका है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो बात हम कहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बात में कुछ वजन हो, बातों में हमारी कुछ वजन हो। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना या सीधा सीधा झूठ बोलना, वही अलंकार होता है। जैसे कोई दिखने में अच्छा हो तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं तुम अच्छी हो, तुम्हें कोनो बहुत बड़ी बात है नहीं। अब तारीफ करना हो तब तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि तुम तो, तुमको कोई देखे तो देखता रह जाए, बड़ी बात हो गई कि नहीं हो गई? तो सीधा सीधा ये क्या हो गया? झूठ। और जहां झूठ हुआ वहीं क्या हो गया? अलंकार। मतलब आपने आपने कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, जहां कोई चीज रियल हो उसको क्या बना दो? रील बना दो। जहां रियल से रील बना वही क्या हो गया? अलंकार हो गया। यानी जो जितना तारीफ करे हो उतना तारीफ के लायक सामने वाला है नहीं, कि सिर्फ खुश के लिए कह जाते, या किसी तारीफ में कह दिया तुम तो चांद का टुकड़ा हो, अरे छोड़ो तुम चांद का टुकड़ा नहीं हो, चांद तुम्हारा टुकड़ा है, ज्यादा हो गया ना, बस यही अलंकार है। या कोई बहुत गुस्से में हो, मिल जाओ तो 100 जूता मारे। ये आज अगर पोर्ट और पैनकेक की तरह अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच भी ना समझ में आया तो इतना मारेंगे कि खून की नदी बहेगी, यही क्या हो गया? अलंकार हो गया। यानी रियलिटी से, रियल क्या है? ऐसा कुछ नहीं होना है, और रील क्या है? कि बहुत कुछ हो जाना। तो जितनी अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए हम जिन भी चीजों का, हम जिन वाक्यों का हम इस्तेमाल करते हैं उसी को हम अलंकार कहते हैं। अब इसके सर्टेन कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब चेहरे की शोभा बढ़ाने के लिए क्रीम है, या आपका ब्यूटी पार्लर है, मेन का मेंस पार्लर है, बात को, बात की शोभा बढ़ाने के लिए वॉइस चेंजर है, शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए कपड़े हैं, और भौकाल टाइट करने के लिए 4-व्हीलर या कार या थार। उसी तरह से हम अपनी बातों को भी हमेशा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। बातों को जब बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं मतलब दूसरे के ध्यान को हमें आकर्षित करना और कुछ नहीं, या किसी की आवाज मान लो थोड़ी बहुत अच्छी हो तब तुम्हारी तो आवाज इतनी प्यारी, इतनी मीठी है जितना कि शहद, ज्यादा हो गया ना,
ठीक है, शहद किसी की आवाज हो सकती है। अच्छा हयू है तो जैसे रानू मंडल की उम्र क्या हुई है, तब का हुई, तब तेरी मेरी मतलब जिंदगी खराब हो जाएगी। और मान लो 12 बजे रात को जगा के तो गाना सुनाते रहे, आवाज कैसी आएगी, बेकार होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो किसी को आपने जब तारीफ किया तो तारीफ में आपने बहुत चीजें बढ़ा चढ़ा कर कह दी। और जब आपने चीजों को, जैसे आपने किसी कोई लड़की खाते पीते घर की नहीं है, यानी दुबली पतली है, तो हमने उसको कि तुम तो इतनी हल्की हो जितना कि पंख, तो हड्डियां कई ठू हुई सारी दिया माँ, 206 हुई, 206 ग्राम को ही तो कह ग्राम हुई है, 206 ग्राम होंगे किडनी फेफड़ा गोदा दिमाग तो 0 ग्राम हुई तब वो चल जाए। ठीक है, तो कुल मिला जुला के किलो में आएगा वजन कि नहीं आएगा। पंख का वजन किस में होगा भाई, एक पंख है तो किस में होगा, वो ग्राम में। और अगर 1 किलो की लड़की होगी तब भी कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम। और 1 किलो तो हो ही नहीं, तकरीबन अगर कुल दुबली पतली हुई तो कम से कम 35 से 40 किलो हुई, 35 से 40। अब पता लगा 1 ग्राम को हमने, मतलब 35,000 ग्राम को मैंने क्या बना दिया है, 1 ग्राम बता दिया, नहीं ज्यादा हो गया। ठीक है, या कोई बहुत ज्यादा गोरा है तो हमने कह दिया तुम तो इतनी गोरी हो जितना कि दूध, थोड़ा मुंह धुलो असलियत पता चले। ठीक है, या किसी की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारे बाल तो इतने काले हैं जितना कि कोयला, या कोई थोड़ा सा सांवला दिखता उसको तंज करते हुए तो कोयला कहूंगा, सीधा मतलब आपने सीधा सीधा उसको क्या कह दिया, कोयला कह दिया। ठीक है, तो यानी बातों को हमने बढ़ा, या कोई लड़की है तो उसने कहा मुझे इतनी प्यास लगी है कि मैं दरिया का पानी पी जाऊं, पी सकती है, आपकी पानी पीने की कैपेसिटी कितनी है, एक इंसान कितना पानी पी लेगा, एक बार में ज्यादा ज्यादा अपने घर है तो 0.5 लीटर, दूसरे घर है अगर फिल्टर है सत्वम कुछ खाग मिला है तो 1 लीटर, शरबत मिला तो ज्यादा ज्यादा 1.5 लीटर। हाँ, दारू के कोनो होना है, लिमिट ना है, क्योंकि दारू आप तब तक पी सकते हैं जब तक बेहोश ना हो जाए, उससे आपका कभी पेट नहीं भरता है। यानी एवरेज हम क्या मान लेते हैं, एक बार में इंसान कितना लीटर पानी पी लेगा, 1 लीटर। और हमने क्या बता दिया, मैं इतना प्यासा हूं कि मैं दरिया का पानी पी जाऊं, पी सकते हैं, नहीं, क्योंकि दरिया का पानी जो है वो अपने आप में अनंत है, और दरिया का पानी पी पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है। अब हमने जो टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमने टाइप्स पढ़े थे उसमें हमने बताया था कि हमको शैम्पू अगर याद कर लें तो आपके सारे टाइप्स आपके याद हो जाएंगे। क्यों बढ़ा, क्यों कहते हैं पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि हमारे बातों का वजन बढ़ जाए, हम जो बात कह रहे हैं उसको बहुत अच्छे से हमारा एक असर पड़े। ठीक है, कि किसी की और तारीफ किया तुम तो चांद जैसे हो, तब खुश होगा कि नहीं होगा सामने वाला, बस खुश एकदम से। ठीक है, तुम्हारी आवाज तो एकदम से शहद जैसी है। ठीक है, तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि कोई तुमको देखे तो देखता रह जाए। ठीक है, तुम्हारे जो चाल है वो हिरन जैसी है। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, या इस पर एक गाना भी बना हुआ है सर, कौन सा गाना है वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील सी तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ठीक है, मतलब चेहरे को, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, चेहरे को किससे कंपेयर किया, चांद से, मतलब किसी के चेहरे क्या बता दिया है, चांद बता दिया। ठीक है, बालों का रंग सुनहरा, ये झील सी तेरी आंखें, दादा अच्छा आंखें किसी की झील हो सकती हैं, नहीं। ठीक है, झील से तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा, मतलब तुम्हारे शरीर पर, मतलब तुम्हारे आंखों में जो नगीन जैसा चश्मा लगा है वो दरअसल चश्मा नहीं है, बल्कि वो पहरा दे रहा है। ठीक है, कि तुम्हारा रखिया क्यों देख ना पावे, तो काला चश्मा लगा लो, ज्यादा हो गया ना, मतलब आपने क्या बताया कि जो तुमने आंखों पर चश्मा लगाया है वो चश्मा नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे आंखों का पहरेदार है कि तुम्हारी खूबसूरत आंखें कोई देख ना सके। बस ये जो पूरा का पूरा गाना है वो क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, मतलब जिसमें खूब बढ़ा चढ़ाकर तारीफ की गई है। या अल्लामा इकबाल का एक शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है, मतलब कि मेरे महबूब के जो होंठ हैं वो इतने नाजुक हैं जैसे कि गुलाब के पंख, मतलब जिस तरह से गुलाब के फूल पर अगर आप नाखून ऐसे फेर दें तो उसके निशान नहीं मिटते हैं, उसी तरह से अगर उनके होंठ पर ऐसे नाखून ऐसे खींच दो तो वो निशान नहीं मिटेंगे। तो ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया ना, बस जहां चीजों को बढ़ाया चढ़ाया गया वही अलंकार है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स की तरफ, कई सारे गाने हैं जिसमें अलंकार है। ठीक है, अब एग्जैक्टली तो एक समय पर बहुत ज्यादा याद नहीं किया जा सकता, तो हम देखते हैं अब इसके टाइप्स में।
इसके टाइप्स को याद करने का आसान तरीका, आप टकले पे जो लगाते हैं वही याद कर लें, एस एच ए एम टी डबल ओ। अब एस से क्या बनेगा, तो एस से बनेगा सिमिली। ये टाइप्स ऑफ कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच है। एच फॉर बनेगा हाइपरबोली, ये लिखा होता हाइपरबोल लेकिन पढ़ते हाइपरबोली, ठीक है। सिमिली हाइपरबोल इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। एम से बनेगा मेटाफर, पी से बनेगा पर्सोनिफिकेशन, ओ से बनेगा ओनोमोटाफोबिया और ओ से बनेगा ऑक्सीमोरॉन। इतना है, सिमिली हाइपरबली एपोस्ट्रॉफी मेटाफर पर्सोनिफिकेशन ऑक्सीमोरॉन एंड ओनोमोटाफोबिया, इतना आपने पढ़ना है। टाइप्स तो 250 से प्लस है, इतना दिमाग में घुस जाए तो बड़ी बात है। अब हम सबसे पहले देखते हैं सिमिली, कि सिमिली क्या है, ठीक है। तो देखिए सिमिली क्या है, तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स वेयर लाइक एंड एज इज यूज। मतलब सिमिली क्या है, इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को हमने क्या बताया था, इसको हम क्या कहते हैं, अलंकार। यानी सिमिली एक अलंकार है, यानी अलंकार का एक हिस्सा है। इन विच कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब क्या होता है, तुलना। मतलब सिमिली एक क्या है, अलंकार है। उस अलंकार में क्या होती है, तुलना होती है। बिटवीन टू डिफरेंट, बिटवीन टू डिफरेंट थिंग, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच। कितने के बीच, दो के बीच। बिटवीन टू डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब अलग। उसमें वर्ड्स कौन से आते हैं, लाइक एंड अस। मतलब सिमिली एक तरह का अलंकार है जिसमें दो अलग अलग तरह की वस्तुओं में तुलना होती है, और उसकी पहचान क्या है, तो उसमें लाइक और आइज, ये दो वर्ड्स आपको उसमें मिलते हैं। अब एग्जांपल की मदद से हम देख लेते हैं, ठीक है। योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी, यानी तुम्हारी आवाज तो इतनी मीठी है जितनी की शहद। अब देखिए इसमें आपको बेटा तीन चीज ध्यान रखनी है। पहला तो जो चीज है वो इसमें होगा कंपैरिजन। दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो चीजें होंगी वो टू डिफरेंट थिंग्स होंगी। सिमिली के लिए बता रहा हूं, मतलब जो चीजें रही वो तो अलग चीज रही, मतलब समान चीज में कंपैरिजन कब होना कह सकता हूं। तीसरा का हुआ कौन वर्ड आई, लाइक और एज। कंपैरिजन होगा, दो अलग चीजें होंगी, लाइक और एज होगा। अब इसको देखते हैं, हमने कहा योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी। एक तो योर है यानी वो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब इनका कंपैरिजन किससे किया गया है, हनी से। तो लड़की यानी मान लिया यहां पर कोई बॉय है, लड़के को भी कह सकते हैं, लड़की को भी कह सकते हैं, और दूसरा क्या है, हनी है। कंपैरिजन हुआ है ना, किस चीज में कंपैरिजन है, वॉइस में। क्या ये दो अलग चीजें हैं, बिल्कुल है। क्या लाइक आया या एज आया है, कहां पर, यहां। अच्छा हो सकता है लाइक आया, हो सकता है एज आए, और एक से दुइयो बार आ सकता है। जैसे लिखो योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी, ध्यान इतना रखना है लाइक होगा या एज होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लिख लेते हैं, सी इज लाइक एन एंजल, ठीक है। यानी वो कह सकते हैं कि एक फरिश्ते जैसी है, परी जैसी है, अप्सरा जैसी है। यहां पर हमने कौन सा वर्ड लाया है, लाइक आया। यहां पर क्या आया है, एज आया है। इसमें कंपैरिजन किससे किया गया, सी है, और यहां पर कौन है, एंजल, ठीक है। यहां पर कौन है, कोई बॉय या गर्ल है, और इसका कंपैरिजन किससे किया गया है, हनी से। इसमें क्या आया, एज, और इसमें आया लाइक। इतनी चीजें ध्यान रखनी है। मतलब कहा योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी, यानी तुम्हारी आवाज इतनी मीठी जितने की शहद। दूसरे में कहा तुम तो एकदम से एंजल लग रही हो, परी लग रही हो, एकदम से फरिश्ता लग रही हो, ईश्वर का दूत लग रही हो, इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया।
अगला हमने कहा हर हैंड इज एज कोल्ड एज आइस, यानी उसका हाथ तो इतना ठंडा है जितना कि बर्फ। ठंडक के महीने में अक्सर हैंड शेक करते हैं तो कहते हैं तुम्हारा हाथ तो एकदम से बर्फ जैसा ठंडा, ठीक है। या किसी का चेहरा लाल हो तो क्या कहेंगे, तुम्हारा तो चेहरा इतना लाल है जितना कि सेब, या तुम्हारा चेहरा तो इतना साफ है, तुम्हारा चेहरा तो इतना चमक रहा है जैसे कि सूरज, क्या सूरज ऐसा चमक सकता है, नहीं। या कभी कभी माँ बाप भी झूठी तारीफ करने के लिए कहते हैं मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा है, ठीक है, तारीफ में कहना पड़ता है अक्सर। या एक दूसरे को भी कभी कभी लोग कहते हैं, देखिए हर हैंड इज एज कोल्ड एज आइस। पहली चीज क्या देखनी है, कंपैरिजन। कंपैरिजन हुआ है, हैंड को क्या बता दिया गया है, क्या है, आइस है दोनों। अच्छा इसमें कंपेयर, यानी ये बेसिकली क्या है, प्रोनाउन है, किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, गर्ल के लिए। इनकी तुलना किससे की कर देंगे, वाइस से। लाइक एज में से कोई वर्ड आया, नहीं आया, तो कौन सा वर्ड आया आपका, एज आया, ठीक है। अब ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली होगा। मतलब इसमें क्या है कि हिंदी में इसको शायद कहते हैं उपमा अलंकार, यानी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, उसमें एक वस्तु को दूसरे वस्तु की तरह बताया जाता है, ठीक है। जैसे राधा के चरण कमल के समान है, यानी राधा के चरण को क्या बता दिया गया, किसकी तरह है, राधा के चरण कमल के समान है। इसमें राधा के कंपैरिजन किससे की गई है, राधा के पैरों की तुलना किससे की गई है, कमल से। क्या राधा के पैर कमल की तरह हो सकते हैं, नहीं हो सकते। या हमने कह दिया ठीक है सी इज एज ब्रेव एज लॉयन, मतलब कि वो इतना बहादुर, लॉयन ने लॉयनस कर लें, सी इज एज ब्रेव एज लॉयनस, मतलब क्या हुआ इसका, वो इतनी बहादुर है जितनी की शेरनी। ये वही शेरनी है जो कुत्ते को देखकर भी दरवाजा बंद कर लेती, चिल्ला भागती मम्मी बचाओ, ठीक है। खैर कहने की बात है तो कहने में कभी कभी तारीफ में कह दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, सी इज एज ब्रेव एज लॉयनस, कि मतलब वो इतनी बहादुर है जितना की एक शेरनी। शेर से उसकी तारीफ कर दी गई, वो तुलना कर दी गई। या हम दूसरा इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, मतलब दुई चीज देखो, अगर लाइक एज है तो सीधा सिमिली है और कुछ नहीं ना करे। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यानी जिंदगी किसकी तरह है, सपनों की तरह है। लाइक वर्ड इसमें आ गया, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यानी जिंदगी जो है वो सपने की तरह है, ठीक है। हर हेयर इज एज ब्राइट एज हनी कलर, मतलब क्या हुआ इसका, बालों का कंपैरिजन किससे किया गया है, शहद के कलर से, यानी उसके बाल तो इतने ज्यादा चमकीले हैं जैसे शहद का कलर। शहद का कलर कैसा होता है, ब्राउन, शहद ब्राउन होता है, शहद देखे हो ना, येलोइश होता है, ठीक है, या कह सकते हैं थोड़ा सा ऑरेंज टाइप में। तो अच्छा बाल भी किसी के प्योर ऑरेंज हो तो वो भी देखने में ठीक ठाक लगता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डाई लगा के जबरदस्ती काला किया तभी अच्छा लगेगा, और भी डिफरेंट कलर होते हैं। यानी बालों की तुलना कहा गया, तुम्हारे बाल तो इतने ज्यादा चमक रहे हैं जैसे कि कोई शहद का कलर, ठीक है। या इसमें आप कह सकते हैं हिज माइंड इज एज फास्ट एज कंप्यूटर, माइंड की तुलना किससे की गई है, यानी उसका दिमाग तो इतना तेज है जितना कि कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा अगला हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, मुस्कान इज एज गुड एज संध्या, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है भाई, क्या वर्ड आया है इसमें, एज आया ना,
तो क्या होना चाहिए? सिमिलर, मगर ऐसा अगर कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। कंपैरिजन हुआ है, मैंने नहीं कहा नहीं हुआ। तीनों कंडीशन देखो, कंपैरिजन हो, दो अलग चीजें हो, लाइक और एज हो, ज्यादातर लोग इसको सिमिलर ही बताएंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे बताएंगे आपको, मगर ऐसा बताना गलत है। देखो पहला कंडीशन देखो, मुस्कान का कंपैरिजन किससे किया गया है? संध्या से। तो पहली चीज क्या हो गई? कंपैरिजन हो गई। तीसरा कंडीशन क्या है? लाइक और एज। लाइक एज में से कोई आया, आ गया। दूसरा कंडीशन क्या है? टू डिफरेंट थिंग। टू डिफरेंट थिंग का मतलब होता है दो अलग अलग तरह की चीजें। जैसे हमने क्या बताया था कि आपका क्या, लाइफ इज लाइक, हर हेयर इज एज ब्राइट एज हनी, या हमने दूसरा बताया हिज माइंड इज एज फास्ट एज कंप्यूटर। तो क्या हिज और कंप्यूटर दोनों अलग चीजें हैं कि नहीं? भाई कंप्यूटर और इंसान दो अलग चीजें हैं ना। अगर हम किसी की तारीफ है, तुम्हारा दिमाग तो कंप्यूटर जैसा है, तो बातों को आकर्षण का केंद्र ज्यादा है। आज हम इसका कंपैरिजन करें कि मुस्कान इज एज गुड एज संध्या, कि मुस्कान भी उतनी अच्छी जितना कि संध्या। कल पता हो सकता है इनकी वाट लग जाए और ये आगे हो जाए, या इनकी वाट लग जाए ये आगे हो जाए। हम एक बच्चे जैसे मान लो भी क्लास में है, तो कुछ कुछ बच्चों का कुछ लेवल है, क्या जरूरी है कि एग्जामिनेशन में या बोर्ड में भी इनका लेवल बरकरार रहे? नहीं, दैट इज अप टू देयर हार्ड वर्क एंड लक, दोनों चीजें मैटर करती हैं। अगर हम एक लड़के एक लड़की तुलना दूसरे लड़के से करते हैं तो ये बेवकूफी। भाई 9-10 का फर्क है, ये जितने भी लोग बैठे हो, कोई 10 है, कोई 9 है, कोई 8 है, कोई 7 है, लेकिन ये मैटर नहीं करता। आपकी मौजूदा स्थिति निर्भर नहीं करती कि आपका बोर्ड में रिजल्ट क्या होगा, ये कभी नहीं मैटर करता, ठीक है। अगर पढ़ने की चाह किसी में हो तो पूरे साल कोई नहीं पढ़ता है। मैंने भी जिंदगी में अगर पढ़ाई की तो पूरा साल कब होना पढ़ने बैठ गया, लेकिन हाँ एग्जाम से पहले और टेस्ट से पहले इसमें जितना वक्त मिलता था उतना कम पड़ जाता था। बस से जाना होता था, यकीन नहीं होगा, सुबह जब बस से बैठते थे तो जब तक पहुंचते थे तकरीबन 1 घंटा लगता था, बीच में कापीनाए बंद होता रहा और लौटत में पंचायत ने बंद होता रहा, ये सिंपल। लेकिन आप पढ़ने टाइम पर पढ़ाई, घर पे लिखना है और शाम में जितनी भी चीजों का रिविजन है जो पूछा जाना है उसका, 1 घंटे में जाते जाते कम से कम 3 सब्जेक्ट पलट जाता रहा और काम वही चंगा हो जाता, ठीक है। पूरा साल का बोना है, घर पे रिटर्न वर्क है, जो अगर एग्जाम है तब तो वक्त कम पड़ गया, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अभी चाहो तो अभी तकरीबन बहुत समय है, नवंबर दिसंबर जनवरी 90 दिन में तो अपना स्थिति बदल सकता, लेकिन नहीं, हम करेंगे वही, ठीक है। ईश्वर ने दो कान किस लिए दिया? एक से सुनो दूसरे से निकाल। कुछ तो इतने बड़े घाव है कि दोनों कर्म अभी बंद करके बैठा, इन्हें कोनो फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना तुम मरो चिल्लाओ, कोनो फर्क नहीं, करब हम अपने वाले, पंचैतिक बतिया मानव लेकिन खुटाओ वही गाड़ो। क्या पढ़ाओ तो कितना बड़ा पढ़ो, हम नहीं पढ़ कर। अगर आपने कसम खाई, मैं ही नहीं, मैं नहीं कहता भैया कोई मुझे 50 साल का तजुर्बा और मेरे पढ़ाने से बहुत आगे चले जाओ, मेरे पढ़ाने जाते तो सबका बराबर नंबर आता, किसी भी टीचर के पढ़ाने से बेटा कोई आगे नहीं जाता, अगर जाता है तो अपनी मेहनत से जाता है। एक टीचर का काम हमेशा गाइड करना होता है, मेरे बताने जाते तो सबके नंबर बराबर हो कि नहीं होता ना, या किसी आपका हर सब्जेक्ट में बराबर है सबका? नहीं, टीचर तो वही पढ़ाया ना, कुछ लोगों ने कोचिंग भी किया होगा, इंग्लिश का किया किसी ने, शायद नहीं, फिर नंबर में डिफरेंस क्यों है? कि कोई फेल है तो कोई 80 है, 85 है, 88 है, 90 है, और कोई जो है जबरदस्ती पास किया गया है, फर्क क्यों आया? फर्क क्यों आया भाई? किसकी कमी है? आपकी कमी, बताने वाला तो उतना ही बताया ना। हाँ टीचर के तो कमी जिंदगी भर है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप किसी को नसीहत नहीं दे पाएंगे। आप कितना बताओगे पढ़ावे नहीं जात रहा, हम इनके पढ़ोते नहीं रहे, ठीक है, आप बाद में नसीहत नहीं दे पाओगे, ओवरऑल आपका खराब होगा। देखिए बेटा, तो एक का कंपैरिजन हमने दूसरे से किया, देखिए ये भी एक बौड़ही है और ये भी एक बौड़ही है, मतलब दोनों एक लड़कियां हैं, तो क्या दो अलग तरह की चीजें हैं इसमें? नहीं। तो ये लाइक आवा है जावा कंपैरिजन बिल्कुल नेक बात है, लेकिन यह टू डिफरेंट थिंग नहीं है, इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच नहीं, इसमें दो समान चीजें हैं। अब इसमें क्वेश्चंस आपके किस तरह के आएंगे, तो आपका एक उसमें पोएट्री में फर्स्ट पैराग्राफ है चैप्टर नंबर 1 का, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी डोज्ड ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। तो कभी कभी ये पूछ लेगा, आपका पैसेज दिया होगा उसमें पूछेगा विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अबव स्टैंजा, यानी उपयुक्त जो गद्यांश है उसमें कौन सा अलंकार इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें देखिए, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, कौन सा अलंकार इस्तेमाल हुआ है, क्या है?
सिमिलर क्या आया है इसमें, लाइक आया है, तो सीधा सीधा आपको लिख देना होगा सिंपल क्या है आपका सिमिलर, दो नंबर के रही ज्यादा ना पैसे जाएगा। कभी ये पूछेगा अच्छा हु कंपोज द अबव लाइंस, किसने लिखा है इसको, कमला दास। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, माई मदर एट 66। इस तरह के पैसेज आपका एक आगे किसी भी चैप्टर से हो सकता है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकता है, रोड साइड स्टैंड से हो सकता है, जेनिफर टाइगर से, पैसेज आपको जिंदा हुआ ऐसे मिल जाएगा जिसमें फिगर ऑफ स्पीच के भी चांसेस बन सकते हैं। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि ऐसे और करके पूछेगा, ठीक है, डिफाइन सिमिली विथ एग्जाम्पल, कि सिमिली की परिभाषा लिखो उसके उदाहरण लिखो, अगर वहां नई पहचान में आवत है तो फिर क्या करेगा तुम उदाहरण लिख के होगा डिस्क्राइब कर देगा। तो परिभाषा कर क्या है, इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग एंड द वर्ड लाइक एज इज यूज, यानी सिमिली अलंकार का एक हिस्सा है या पार्ट है, दो अलग अलग तरह की चीजों में तुलना की जाती है और कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक और एज, ठीक है। कहा जैसे मैंने कहा हर शर्ट इज एज वाइट एज स्नो, कि उसका तो जो शर्ट उसने पहना है वो उतना ज्यादा सफेद है जितना की बर्फ, तो क्या होगा, सिमिली होगा। अभी एक टू बताए कि एक टू पूछी तो हम हाँ हो जाए लागत यह हुआ, एक अलावा तो कुछ बताए नहीं, ठीक है ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ही इज एज हैप्पी एज किंग, यानी वो इतना खुश है जितना कि कोई राजा या राजकुमार। आज के इस क्लास में एक ही टाइप डिस्कस किए हैं।